برحمه قدر حلال بحمده تعالى سالانہ روحانی تربیتی اجتماع اس کی پہلی نشست جو نماز ظہر تک تھی وہ بھی اللہ کے کرم و فضل سے اختتام پذیر ہوئی اور دوسری نشست نماز ظہر سے جس کا آغاز ہوا تھا بحمدہ تعالی اس کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے اور اس سالانہ روحانی تربیتی اجتماع کی آخری نشست اور تیسری نشست جس کے اندر ادارہ خورشید اسلام پاکستان ادارہ خورشید اسلام یوتھ ونگ اس کی کارکردگی کا جائزہ اور جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. گفتگو کے لیے تشریف لاتے ہیں عظیم مذہبی سکالر مدیر اعلیٰ ماہنامہ شمس المشائخ خلیفہ مجاز خانقاہ عالیہ کلی شریف مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا مسعود القادری صاحب. آپ تشریف لاتے ہیں اور ادارے کی جو کارکردگی ہے اور آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس پہ گفتگو فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خانقاہ عالیہ کلی شریف. الحمدللہ وکفا ذی المجد والعلیٰ خالق الارض والسماء والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ. صدق اللہ مولانا العظیم. حباب گرامی، سالانہ روحانی تربیتی اجتماع کے نشست دوم اختتام پذیر ہو چکی اور نشست سوم کا آغاز ہو چکا. ہم سب اب جائزہ لے گئے کہ ادارہ خورشید اسلام پاکستان کی کارکردگی کیا ہے اور کون سے منصوبہ جات چل رہے ہیں، مستقبل کے منصوبہ جات کیا ہیں. کم و بیش 10 سال پہلے ادارہ خورشید اسلام پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، فری ڈسپینسری جامعہ شمسیہ غوثیہ کی تشکیل نو، کفن فی سبیل اللہ اور فہم دین کورس کا اجرا کیا گیا. ماہنامہ شمس المشائخ اس کی بہتری کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ تمام منصوبہ جات اللہ کے فضل سے اور رسول اکرم نبی دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی باطنی فیضان سے چل رہے ہیں. اور یہ فیضان ہے کلی شریف کے تاجداروں کا کہ جو بندہ بھی ان منصوبہ جات کے لیے تعاون کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے حصہ وافر پاتا ہے. جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے میرا اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ در
आले रसूल का दर है, ये वो खानकाह है जहां पर आने वालों को ये नहीं कहा जाता कि तुम मंगते हो, किसी को मंगता नहीं समझा जाता, किसी को सवाली नहीं समझा जाता, बल्कि यहां तो ये होता है कि खुद भीख दे, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। बहुत सवाल कह ले तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का भला। तो यहां पर हम सब कुछ लेने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ हासिल करने आते हैं, यहां पर हम एक तालिब इल्म बन के आते हैं। ये रूहानी तरबियती इज्तिमा एक क्लास का है, जलसा आम नहीं है, इज्तिमा आम नहीं है, बल्कि एक क्लासरूम है जिसमें हमें सिखलाया जाता है, हमें बताया जाता है। और ये सीखने का अमल इतना महबूब अमल है कि अल्लाह के रसूल भी सारी जिंदगी सीखते रहे। आप कहेंगे कैसे? सरकार ने फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि अल्लाह ने मुझे सारी कायनात का उस्ताद बना के भेजा, मैं पूरी कायनात को सिखाने के लिए आया, उनको सिखाता हूं लेकिन खुद अपने अल्लाह से सीखता हूं, अपने रब से सीखता हूं। और एक दिन मेरे आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पांव फैला के बैठे हुए, जरा पांव फैलाने की बात आ गई है तो आदाब मजलिस के हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि कोई साथी मजलिस में पांव फैला के ना बैठे, चौकड़ी मार के बैठे या दोजानू होके बैठे, पांव फैला के ना बैठे। ये पांव फैलाना इससे मना किया गया, मजलिस में बैठे आदाब सीखने के लिए आए हैं ना हम, तो मजलिस में बैठा करें तो पांव फैला के नहीं बैठा, बल्कि दो जानू होके, जिनकी सेहत इजाजत देती है, या चौकड़ी मार के चार जानू होके बैठे। अगर बीमारी हो, तकलीफ हो, तो उस बंदे को इजाजत है कि वो जैसे चाहे बैठे, वो जैसे चाहे बैठे, उसको इजाजत है। बसूरते दीगर सही और सालिम जिनको अल्लाह ने सेहत दी है उनके लिए इसकी इजाजत नहीं है। तो अल्लाह के हबीब हुजूर कदमैन दराज करके बैठे थे, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह अल्लाह सलाम कहता, रब सलाम कहता, और रब फरमाता इजलिस का जिलसत अब ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस तरह बैठे जिस तरह एक बंदा बैठे, आप उस तरह बैठे जिस तरह एक बंदा बैठता है। आज अगर हमें आदाब मजलिस समझाए जाए तो नाराज ना हुआ करें, ये तरबियत है, तरबियत का हिस्सा है, और तरबियत वही पाता है जो तरबियत की जरूरत महसूस करता है, जो अपने आप को अकले कुल समझे, इल्मे कुल समझे, और समझे मैं तो बड़ा दाना और बीना हूं, मुझे तो सब कुछ पता है। याद रखो, जो ये समझता है उसको कुछ भी पता नहीं, जो ये कहे मुझे कुछ पता नहीं, समझ लो अल्लाह ने उसे सब कुछ दे देना। और ये जो ये समझे कि मुझे सब कुछ पता है, मैं अकले को लो इल्मे को लो, और समझ लो उसके पास कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं दे सकते। तो हम सब यहाँ एक तालिब इल्म की हैसियत से इस रूहानी तरबियती इज्तिमा के अंदर शरीक होते हैं, और ये अल्लाह के दीन की तरफ, कुरान की तरफ, सुन्नत नबी की तरफ, सूफीज्म की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल करवाने का एक जरिया है ये रूहानी तरबियती इज्तिमा। और फिर अल्लाह ने फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाएं, उदु इला सबील रब्बे, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाएं, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, दानाई के साथ, और अच्छी बात के साथ,
अच्छी नसीहत के साथ, अच्छी गुफ्तगु के साथ। और फरमाया गया आदाब गुफ्तगु आज हर बंदे को यहां से लेकर जाने होंगे। हमारी गुफ्तगुओं के अंदर मिठास आ जानी चाहिए, हमारी गुफ्तगुओं के अंदर हुसन आ जाना चाहिए, हमारी गुफ्तगुओं के अंदर से लगपन, लचरपन, गालीपन इसका खात्मा हो जाना चाहिए। हमारी गुफ्तगुओं के अंदर एक अच्छाई आ जानी चाहिए, बुरापन खत्म हो जाना चाहिए। कुरान कहता है वकूलू लिन्नास हुस्ना, ऐ मेरे बंदो लोगों से अच्छी बात कहो, लोगों से अच्छी बात करो। यानी हमारी जुबानों पर जो बात आए वो अच्छी हो, वो अच्छी हो, वो खूबसूरत हो, वो कुरान के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो। और आज हम में से हर शख्स ये चाहता है मुझे नजात मिले, फौज़ो फलाह मिले। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा नजात पाना चाहता है उस पर लाजिम है मन सखत नजात, जो बंदा जितनी खामोशी इख्तियार करेगा उतनी अल्लाह की तरफ से नजात पा जाएगा। जरूरी गुफ्तगू करो, गैर जरूरी गुफ्तगू से बचो, परहेज करो। और गाली गलौज वाली गुफ्तगू, किसी का मजाक उड़ाने वाली गुफ्तगू, यह हराम है, इसकी इजाजत नहीं है। सूरह हुजुरात में वाज़े फरमा दिया तुम में से कोई शख्स दूसरे शख्स का मजाक ना उड़ाए, कोई मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो तुम्हें क्या पता वो अल्लाह के यहाँ कितना महबूब, अल्लाह के यहाँ कितना प्यारा। आज इस इज्तिमा में आए हो, यहां से ये बातें लेके जाओ। भला यगतब बादुकुम बादा, कोई बंदा दूसरे बंदे की गीबत ना करे, कोई बंदा दूसरे बंदे की जासूसी ना करे, इस डोमे ना लगा रहे कि इसकी कोई कमजोरी हाथ आए। ये सूफिया का तरीका नहीं है, ये अहलुल्लाह का तरीका नहीं है, ये औलिया का तरीका नहीं है। और जिस खानकाह पे आए हो, यहां के बुजुर्गों का भी यही तरीका है, उन्होंने भी यही फरमाया। हजरत क़िबले आलम पीर सैयद खुर्शीदुल हसन शाह नबर अल्लाह बरकातहु फरमाया करते थे हर शख्स को दूसरे शख्स की बुराई सुनने से एहतराज करना चाहिए। ये हमारे लिए है, सिर्फ दीवारों पर लिखने के लिए नहीं कि उस बोर्ड पर लगा है कि नहीं, इस बोर्ड पर लगा है कि नहीं, नहीं इस रिसाले में आया कि नहीं, इस रिसाले में आया कि नहीं, ये नहीं। देखो इस पर हमने अमल कितना किया या इस पर हमने अमल कितना करना है, ये चीजें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों देखने वाली। और आप गुफ्तगू करके, गाली निकाल के, मंदा बोल के किसी का दिल तोड़ रहे हैं तो आप कौन से तसव्वुफ की खिदमत कर रहे हैं, कौन से सूफीज्म को आगे आप बढ़ा रहे हैं। पीर भाइयों के लिए, यहां इज्तिमा में आने वालों के लिए एक ही सबक है, अपनी गुफ्तगू ठीक करो और गाली का कल्चर खत्म करो। हुजूर ने वाज़े फरमाया, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन वकितालुहु कुफ्रुन, फरमाया मुसलमान को गाली देना ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसको कत्ल करना ये कुफ्र है। ये ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। तो दोस्तान अजीज, पीर भाई का रिश्ता सगे भाइयों से भी अजीज होना चाहिए। जो छोटे पीर भाई हैं वो बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का इकराम करें, बड़ों का एहतराम करें, जो बड़े हैं छोटों पे शफकत करें। एक एहतराम के हवाले से एक बात करके आगे बढ़ता हूँ। हजरत मौला कायनात मौला अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आ रहे थे कि रास्ते में देखा एक बुजुर्ग सहाबी सफेद दाढ़ी वाले, वो चल रहे हैं और आगे आगे हैं, कमजोर है, ज़ईफ़ है, ज्यादा तेज नहीं चला जाता। मौला अली अलैहिस्सलाम इहतरामन इकरामन उनका एहतराम करते हुए आगे नहीं चले, पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं मस्जिद में। उधर मेरे आका नमाज पढ़ा रहे हैं, दौरान नमाज जिब्रील हाजिर हो जाते हैं हुजूर की बारगाह में, रुकू हो रहा है। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है जब तक अली रुकू में शामिल ना हो जाए आपने रुकू से सर नहीं उठाना, जब तक अली रुकू में नमाज में शामिल ना हो जाए आपने सर नहीं उठाना, रुकू लंबा करना। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम
उस सहाबी को साथ लेके वो आगे आगे रहे, आप पीछे पीछे चलते रहे, अदबन इहतरामन इकरामन पीछे चलते रहे, मस्जिद में आए, नमाज में शामिल हुए, सलाम फिरा। मेरे आका ने फरमाया ऐन अली इब्न अबी तालिब, मेरा अली कहाँ है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका आपका अली हाजिर हो गया। फरमाया अली तू कौन सा अमल कर रहा था कि मेरे अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे बाबू से कहो जब तक अली नमाज में शामिल ना हो जाए आपने रुकू सर नहीं उठाना, रुकू लंबा कर रहा, क्या कर रहा था तू? अर्ज किया आका एक बूढ़े सहाबी का अदब कर रहा था, आका एक बुजुर्ग सहाबी का एहतराम कर रहा था। तो दोस्तों मेरे जवान बेटो भाइयों यहां आए हो एहतराम का सबक लेके जाओ, बुजुर्गों का अदब करो, बड़ों का अदब करो, बड़ों का एहतराम करो, उनके सामने ऊंची ना बोलो, मंदा ना बोलो, और उनकी आवाज से ऊंची आवाज ना करो, और उनका दिल ना दुखाओ, उनकी खिदमत करो, ताबेदारी करो, आज्ञाकारी करो। तो हाजिर मोहतरम अगला सबक, पहला चीज एहतराम, यहां से एहतराम लेके जाओ। दूसरी चीज अपने दिलों की सफाई लेके जाओ, कुदूरते निकाल के जाओ, निफाक निकाल के जाओ, हसद और बुग़्ज़ और कीने से तौबा करके जाओ। और जो कुरान ने कहा ना वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, और पहले जो दुआ है रब्बना फिर लना वल इख्वानिना लिल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान, ए हमारे अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, और हमसे पहले जितने लोग हालते ईमान में चले गए अल्लाह उनको भी माफ कर दे, और हमारे दिलों में मोमिनों का कीना पैदा ना करना, बुग़्ज़ पैदा ना करना, निफाक पैदा ना करना। जितने पीर भाई आए हो यहाँ बैठे हो, जो गांवों के अंदर देहातों में जो तुम्हारी आपस की चपकलश है यहाँ से निकाल के जाओ, एक दूसरे को माफ करके जाओ, माफ करके जाओ। अगर माफ नहीं करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो रहा तो कोई फायदा नहीं इज्तिमा में आने का, कोई फायदा नहीं यहाँ हाजिरी का। दिल साफ करके जाओ, दिलों के बुग्ज निकाल के जाओ। हुजूर ताजदारे कायनात की महफिल सजी हुई मुख्तसर कर रहा हूँ, मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन जलवागर हैं, मेरे आका फरमाते हैं मेरे असहाब जो बंदा अभी मस्जिद नबी के दरवाजे से अंदर दाखिल होगा वो जन्नती होगा, वो जन्नती होगा। थोड़ी देर गुजरी सिहाबी आए हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सारे सिहाबा खुश हो गए, मुबारकबादियां दी, अब्दुल्ला बिन सलाम तुझे आज जुबान फतवे नबुव्वत ने जन्नती करार दिया है। दूसरा दिन हुआ फिर आका ने फरमाया अभी जो बंदा मस्जिद नबी में आएगा वो जन्नती होगा, फिर अब वही हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। तीसरा दिन हुआ फिर आका ने फरमाया जो अभी बंदा मस्जिद नबी में आएगा वो जन्नती होगा, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। एक सहाबी तशवीश में रहे, पता नहीं कौन सा अच्छा अमल करते हैं, ये सारी रात नफल पढ़ते होंगे, सारी रात कुरान करते पढ़ते होंगे, सारी रात जिक्र करते होंगे, इस वजह से ये जन्नती हैं। उस आपने उस सहाबी की गलतफहमी दूर की, फरमाया आज तू देख पूछना चाहता है ना, सुनना चाहता है कि मुझे तीन दिन अल्लाह के रसूल ने जन्नती होने की बशारत दी, तो सुन उसकी वजह क्या है। कोई खास अमल नहीं करता, कोई चिल्ला नहीं करता, कोई लंबी चौड़ी तस्बीहात नहीं पढ़ता, लंबे चौड़े नवाफिल नहीं पढ़ता, बस सिर्फ इतना करता हूं कि अपना दिल दूसरों की तरफ से साफ रखता हूं, अपना दिल दूसरों की तरफ से साफ रखता हूं। तो दोस्तों अगर हम सच्चे मुरीद बनना चाहते हैं, फैज पाना चाहते हैं बाबा जी की बारगाह से, यहां से कुछ हासिल करके जाना चाहते हैं, तो अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, पीर खाने के नाम पर एक दूसरे को माफ कर दो, दरगुजर कर दो, पिछली भी माफ कर दो, आइंदा जो होगी वो भी माफ करके जाओ, कि कमी कोताही हो जाए तो उसके दिल में कदूरत ना लेके जाया करो, कदूरत ना रखा करो, बुग्ज़ ना रखा करो, कीना ना रखा करो। फिर जब ये कैफियत हो जाएगी हमारे सीने इन बुजुर्गों की निगाह से बेकीना हो जाएंगे तो फिर हमारे दिल मदीना हो जाएंगे, हमारे दिल मदीना हो जाएंगे। बस दूसरा हाजिर मोहतरम इदारा खुर्शीद इस्लाम पाकिस्तान आपसे कुछ नहीं चाहता, आपसे सिर्फ एक ही बात यानी उबुदुल्लाह, लोगों अल्लाह के बंदे बन जाओ, वत्तकू उसका तकवा इख्तियार करो, वाकी ऊन अल्लाह की इताअत करो।
बस हम आपको यही पैगाम देना चाहते हैं, आपसे इसके बदले में हम कुछ नहीं लेना चाहते कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, उसका तकवा इख्तियार करो, उसकी इताअत करो। और फिर रसूल अकरम ने जो फरमाया कि वशफ़क़त अलल मख़लूक, दीन नाम है अल इताअत लिल्लाह, अल्लाह के लिए इताअत करने का, और दूसरा नाम है वशफ़क़त अलल मख़लूक, मख़लूक के खुदा पर रहम करने। तो यहाँ जो ये डिस्पेंसरी है, ये फरोग इलम के लिए जामिया शमसिया गौसिया है, ये क्या है? मखलूक पर शफकत है, लोगों जाहिलों को तालीम देना, बच्चों को तालीम देना, मुस्तहक बच्चों को तालीम देना, उनके लिए सहूलतें मुहैया करना, उनको खाना मुहैया करना, और बीमारों के लिए दवा का बंदोबस्त करना, ये मखलूक खुदा पर शफकत करने का दूसरा नाम है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर लोगों 200 से जायद मरीज यहाँ आते हैं, औसतन 200 से जायद मरीज आते हैं और यहाँ से फ्री दवाई हासिल करके जाते हैं। सिर्फ दवाई ही नहीं, बुजुर्गों की बरकत से शिफा पा के जाते हैं, शिफा पा के जाते हैं। तो ये आपका सदका जारिया है, आपका सदका जारिया है जो आप ये कर रहे हैं। तो जहाँ जितना भी आप माह रमजान आ रहा है, सदकात, उशर, फितराना, जकात, अतियात दे के इदारा खुर्शीद इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुर्शीद इस्लाम के मिशन को घर घर तक पहुंचाएं, और अपना ये जो रूहानी फैज यहाँ से मिल रहा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आखिरी जुमला सुन लें, मैं सारी जिंदगी खुशामद नहीं की, ना खुशामदी हूँ ना खुशामद पसंद करता हूँ, और यहाँ पीर खाने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खुशामदियों को पसंद नहीं किया जाता, खुशामदियों को रद्द किया जाता है, ना खुशामद की इजाजत दी जाती है ना खुशामद को पसंद किया जाता है। एक जुमला कहना चाहता हूँ लोगों, मैं बड़े मुल्कों तक गया हूँ, 10-15 मुल्कों तक मैं पहुँचा हूँ, और यहाँ जिंदगी का मैंने कमोबेश यहाँ से ताल्लुक बने 50 साल गुजर गए हैं, 61 साल में मेरी उम्र होने को है, 50 साल गुजर गए हैं। लोगों मैंने अपने शेख कामिल से बढ़कर पाक दामन बंदा कोई नहीं देखा, ये अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूँ, मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ कि 22 साल की उम्र में सज्जादा नशीन बने, 28 साल गुजर गए मुर्शिदे कामिल को, अल्लाह के फजल से हर लिहाज से इनको बाकिरदार पाया। और जितना सफर मैंने हजरत के साथ किया है, वो हजरत ने खुद ही फरमाया ये मेरा रफीके सफर हजर है, शायद कम ही किसी ने किया होगा, शकर चक अमरू से लेकर कराची तक गया हूँ, हर लिहाज से अपने शेख को बाकिरदार पाया है। और 22 साल की उम्र में बंदा सज्जादा नशीन बने, और फिर हर सहूलत हो, हर आसाइश हो, हर किस्म की आसाइशें हासिल हो, फिर भी बंदा बंदे की नज़र पाक रहे, फिर भी बंदे का दामन पाक रहे, और फिर भी बंदा तरीकत की राहों पे गामजन रहे, यारो ये अल्लाह का फजल ही है। और यहाँ पर आप जो लोग चले आते हैं कशां कशां, चले आते हैं झोलियाँ खोले यहाँ चले आते हैं, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, कोई बात तो है ना, है? और वो हजरत इकबाल के कहते हैं, हुजूम क्यों है ज्यादा मैं खाने में, हुजूम क्यों है ज्यादा मैं खाने में, फकत एक बात के पीरे मुगा है मर्दे खली, फकत एक बात के पीरे मुगा है मर्दे खली। दोस्तों ये मर्दे खलीक हैं, हर किसी के साथ खुल के मुहम्मदी का मुजाहरा करते हैं, यहाँ पर हर कोई आता है अपनी वसात के मुताबिक फैज लेके जाता है। अब इदारा खुर्शीद इस्लाम के मालियाती जायजा पेश करने के लिए मैं इल्तमास गुजार हूँ मोहतरम हाजी मोहम्मद असलम कादरी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और इदारे का मालियाती जायजा जो है वो पेश करें। दुरूद पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दाराए रशीद अलैहिस्सलाम पर मालियाती को अगस्त 2021 फरवरी और 2022 सबका बकाया जुलाई 2021 जरा तोजो ना सुनना लो ये भाई सारे दोस्त जरा फंड जरा जरा तोजो ना जरा तोजो होने चाहिए सबका बकाया जुलाई 2021 13,26,617 रुपये बकाया जा साढ़े को जोड़े लेने 13,26,617 रुपये और वसूली अगस्त 2021 फरवरी 2022 11,58,754 रुपये 94 रुपये 11,58,794 रुपये दोनों मिला के टोटल बनता है 24,85,411 रुपये टोटल 24,85,411 रुपये और अखराजात जेड़े 2021 फरवरी और 2022 अगस्त फरवरी 2022 17,64,394 रुपये ये 24 लाख के बीचों अखराजात जेड़े ने 17,64,394 रुपये और बकाया जात साढ़े को जेड़े बचे ने हुण मौजूद फरवरी तक 7,21,017 रुपये 7,21,017 रुपये दोस्तों जरा तवज्जो करो ये खुशूसी तवज्जो फरमाओ ये फंड दे उत्ते थोड़ा जा कुरान पाक दा तर्जमा है सूरत अल मुनाफिकून आयत नंबर 8-11 ऐ मान वालो तुम्हारे माल और ना ही तुम्हारी औलाद ऐ मान वालो तुम्हारे माल और ना ही तुम्हारी औलाद कोई चीज तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गफल ना करे और जो ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान में हैं वही लोग नुकसान में हैं और हमारे दिए में से कुछ हमारी राह में खर्च करो काबल इसके कि तुम्हें किसी को मौत आए फिर कहें लगेंगे ऐ मेरे रब तूने मुझे थोड़ी मुद्दत क्यों ना दी मोहलत ना दी कि मैं सदका देता और नेकों में होता और हर गज अल्लाह किसी जान को मोहलत नहीं देगा जब उसका वादा आ जाए और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है दूसरा ऐलान है कि जेड़े सालाना साले के मेंबर ने उन्हें वास्ते गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द जरा अपना सालाना फंड होंगे जरा वो जमा करा सकते हैं वो मेहरबानी करा कर जल्दी फंड जमा करा सकते मेहरबानी अल्लाह अस्सलाम वालेकुम बाबी गरामी मालियाती रिपोर्ट मोहतरम हाजी मोहम्मद असलम कादरी मुशाही साहब ने पेश करवाई है तो महनामा शम्सुल मशायख जो 1937 से हजरत क़िबला आलम पीर सैयद खुर्शीद उल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जारी किया था और ये मेरे बाबा जी की करामत है कि वो मुजल्ला आज भी चल रहा है आज भी छप रहा है और हमारे जो मुआमिनीन खुसूसी हैं मुजल्ले के इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनके नाम अपने मुजल्ले के अंदर भी शाया किया करेंगे कारी मोहम्मद इदरीस साहब हमारे मुजल्ले के सालाना मुआमिन खुसूसी हैं हाजी असलम साहब हाजी खरीद साहब हाजी अकरम साहब हाजी मोहम्मद सलीम साहब लाहौर से मियां आबिद साहब शाहकोट से जावेद साहजी जावेद रंधावा साहब लिया से मोहतरम लियाकत साहब गोजरा से मोहतरम नदीम नबीद साहेब लाहौर से ये हमारे हाजी मोहम्मद नदीम साहब के भाई हैं
अल्लाह ताला हाजी नदीम साहब की बख्शिश फरमाए और उनके भाइयों को भी बरकत अता फरमाए। मोहतरम मोहम्मद नवाज साहब कसोवाल से, बाबा जी मोहम्मद नवाज साहब ये भी हमारे साले के मुआविन हैं। चौधरी शाहबान साहब उकाड़ा से, इफ्तिखार साहब कानपुर से, सलीम साहब चक नंबर 214 से, सलीम रंधावा साहब वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मोहतरम सुल्तान साहब चक नंबर 214 से, मोहतरम सदाकत साहब और इमरान साहब ये हमारे माहनामा शमसुल मशायख के खुसूसी मुआविन हैं और पीर साहब इन सब के लिए खुसूसी तौर पर दुआ गो हैं। इन्होंने अपने जिम्मे एक एक शुमारा ले रखा है। और ये भी अर्ज करता चलूँ, हाजी मोहम्मद खलील साहब इन्होंने फरमाया है कि अब रिसाले के अखराजात बढ़ गए, पहले 15,000 खर्चा आता था, अब वो खर्चा बढ़ के 19,000 से 20,000 हो गया। वो कागज़ की कीमत बढ़ गई है, कागज़ बहुत महंगा हो गया, इस वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। तो आप जो मुआविनीन से दरख्वास्त है कि वो 20,000 रुपये अपना सालाना जो है वो पेश किया करें, जो पेश करते हैं, और जल्द अज जल्द रसाले का जो सालाना ज़र तावन है वो जो उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है वो अता कर दिया गया।